दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा कि कैसे दो कॉन्ट्रैक्टर को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किया जाता है। मान लेते हैं कि ये दो हमारे पावर सोर्स हैं, इसको हम ग्रिड सप्लाई मान लेते हैं। अभी हमारा ग्रिड सप्लाई ऑन है तो ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड है और इधर आउटपुट में देखेंगे लोड चल रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो दोनों कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट फेज मैंने एक पॉइंट पर लगा दिया है और दोनों कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट न्यूट्रल मैंने एक पॉइंट पर लगा दिया है। अभी के केस में हमारा ग्रिड सप्लाई ऑन है, अचानक से ग्रिड सप्लाई फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, अपना डीजी को डायरेक्टली ऑन कर देंगे तो लोड हमारा अपना जनरेटर से चलने लग जाएगा। अचानक से हमारा ग्रिड सप्लाई भी आ जाता है, उस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्ड नहीं होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हैं। पहले हमें अपना जनरेटर को बंद करना होगा, तब जा करके हमारा जो ग्रिड सप्लाई वाला कॉन्ट्रैक्टर है ये होल्ड होगा। अगर गलती से फिर से कोई डीजी को ऑन कर देता है तो आप देखेंगे कि डीजी वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। दोस्तों मैं आपको कनेक्शन समझाता हूँ कि कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करूँगा पावर वायरिंग की, माफ़ी चाहूँगा मेरी आवाज़ के लिए, थोड़ा गला बैठ गया इस वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। जहाँ एक तरफ मैंने इसको ग्रिड सप्लाई मान लिया है और इसको हम मान लेते हैं कि जनरेटर सप्लाई है, मेरे पास दूसरा MCB अवेलेबल नहीं था इसीलिए इधर मैंने RCCB यूज कर लिया है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इधर आप देखेंगे कि यहाँ न्यूट्रल और फेज मैंने दिए हुए हैं, जिधर मैंने इस बारे में फेज और इधर न्यूट्रल दिया है, और यहाँ जो डीजी वाली सप्लाई है यहाँ भी मैंने फेज और न्यूट्रल दिया हुआ है। इनका आप आउटपुट देखेंगे तो ऊपर मैंने कॉन्ट्रैक्टर लगाया हुआ है, इसका फेज और न्यूट्रल मैंने कॉन्ट्रैक्टर में दे दिया और इसका फेज और न्यूट्रल भी मैंने कॉन्ट्रैक्टर में लगा दिया। आप ऊपर देखेंगे तो दोनों का जो आउटपुट है उसको मैंने एक बल्ब के अंदर कनेक्ट कर दिया है, जहां आप देख सकते हैं कि इस वाले कॉन्ट्रैक्टर का फेज एक पॉइंट पर आ रहा है और इधर वाले कॉन्ट्रैक्टर का भी फेज एक पॉइंट पर आ रहा है। न्यूट्रल हमारा दोनों का एक पॉइंट पर आ रहा है जैसा आप देख सकते हैं। पावर वायरिंग बहुत आसान होता है जैसा आप देख पा रहे हैं। अब हम कंट्रोल वायरिंग समझेंगे कि कंट्रोल वायरिंग कैसे करना है। कंट्रोल वायरिंग समझना बहुत आसान है, जो हमारा ग्रिड सप्लाई है इस ग्रिड सप्लाई के न्यूट्रल वाले वायर से न्यूट्रल को आउट करेंगे और इसको ले जाकर के लगा देंगे जो ग्रिड सप्लाई वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसके A2 पॉइंट पर, जैसा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं तो यहाँ आप देख पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर में A2 और A1 पॉइंट होता है, तो जो हमारा A2 पॉइंट है यहाँ हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है अपना ग्रिड सप्लाई से न्यूट्रल उठा करके। दोस्तों अब जो हमारा दूसरा वाला MCB है यहाँ से भी हम न्यूट्रल को आउट करेंगे और इस न्यूट्रल को लगा देंगे जो हमारा दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्टर है जिसको हम DG वाला कॉन्ट्रैक्टर मान रहे हैं इसके A2 पॉइंट में। दोनों का हमने न्यूट्रल का वायरिंग कर लिया है, अब हम फेज का वायरिंग करेंगे। दोस्तों जो हमारा ग्रिड सप्लाई है इसके फेज वायर से ही एक तार से फेज को आउट करेंगे और इसको ले जाएंगे जो हमारा डीजी वाला कॉन्ट्रैक्टर है इसके NC पॉइंट पर, क्योंकि हमको ये वाला कॉन्ट्रैक्टर होल्ड करना है पहले, तो इस कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करने के लिए पहले हम इसका NC पॉइंट यूज करेंगे, तब जा करके इसके NC के आउटपुट से उठा करके यहाँ सप्लाई देंगे जो हमारा ग्रिड सप्लाई वाला कॉन्ट्रैक्टर है इसके अंदर। कुछ इस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं इसके A1 पॉइंट पर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे जो जनरेटर वाली सप्लाई है इसका NC पॉइंट यूज करते हुए, जो जनरेटर वाला कॉन्ट्रैक्टर है इसका NC पॉइंट यूज करते हुए। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हमारा 21 नंबर और 22 नंबर NC पॉइंट है, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर 22 नंबर हमारा NC पॉइंट है जो सप्लाई हमने यहाँ लगाई है कुछ इस तरीके से 22 NC पर, और ऊपर देखेंगे आप ये 21 नंबर है जो NC पॉइंट है, यहाँ से उठा करके हमने जो A1 है यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब जो दोस्तों हमारा जनरेटर वाली सप्लाई है यहाँ से एक फेज को आउट करेंगे और इसको कहाँ लेकर के जाएंगे, जो हमारा ग्रिड सप्लाई वाला कॉन्ट्रैक्टर है इसके अंदर, क्योंकि हमने जो ग्रिड सप्लाई वाले कॉन्ट्रैक्टर से फेज आउट किया है कंट्रोलिंग के लिए वो जनरेटर वाली सप्लाई में दिया है, तो इधर जो हमारा ग्रिड सप्लाई वाला कॉन्ट्रैक्टर है इसका हम NC पॉइंट यूज कर लेंगे और इसके NC आउटपुट से क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्टर के A1 में फेज दे देंगे कुछ इस तरीके से, इसके NC से हम एक वायर से आउट करेंगे सप्लाई और यहाँ A1 पर हम फेज कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से हमारा कनेक्शन होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कनेक्शन हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया है। अभी मैं आपको इसका टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ मैं। अभी क्या करूँगा, मान लेते हैं कि हमारा ग्रिड सप्लाई ऑन है, तो ग्रिड सप्लाई को मैं जैसे ही ऑन करूँगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा
और आउटपुट में हमारा लोड भी रन करने लग गया है। अचानक से ग्रिड सप्लाई हमारा फेल हो गया। अगेन हम अपना जनरेटर को ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक रह गया है। ये हमने कनेक्शन लूज छोड़ दिया है, माफी चाहूंगा। पहले हम कनेक्शन प्रॉपर तरीके से इसका टाइट करेंगे। आप प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करेंगे तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर तरीके से हमने कनेक्शन टाइट नहीं कर पाया था, अभी कनेक्शन को टाइट कर लिया। अभी एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हमारा जनरेटर ऑन हुआ तो हमारा लोड ऑन हो गया। अगर इस कंडीशन में हमारा ये ग्रिड सप्लाई भी आ जाती है तब हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं होगा। पहले हमें डीजी ऑफ करना होगा, तब जाके हमारा जो ग्रिड सप्लाई वाला कॉन्ट्रैक्टर है ये होल्ड होगा। अगर इसका आप एनिमेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टार्टर का प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर आए वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।